सो गाइस आपका हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल डीजे टेटस के अंदर। तो गाइस आज हम आपने आपको सिखाने वाला है कि आप किस तरह से न्यू ट्रेंडिंग टेटस एडिटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहे, और अगर आप चैनल में नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो ट्रेंडिंग टेटस चल रहे हैं उसी का मैं आपको दूंगा, जो भी मटेरियल होगा वो सारा टेलीग्राम में मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इलाइट मौसम को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन में जाना है। 1080p के अंदर 30 फ्रेम रेट ब्लैक कलर के साथ क्रिएट पोचे पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक फ़ोटो लाना है। तो हम फोटो लेके आते हैं हमारी गैलरी से। तो हम फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये वाला फोटो रखा था, इसको प्लस में आके यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, फिर कंपोजिट एरिया कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक हो जाते हैं और अब सॉन्ग लाते हैं। ठीक है गाइस, सॉन्ग लेके आते हैं हम यहाँ से वॉल पर क्लिक करके। यहाँ से हम प्लस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद वीडियो में जाके 3 डॉट में जाके एक्स्ट्रा ऑडियो कर देते हैं, और वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, तो यहाँ से आपको सुन लेना है कि कहाँ तक कि आपका आपको सुन लेना है कि कहाँ तक आपका वो बंद वॉइस रहता है। ठीक है गाइस, तो हम सुन लेते हैं। सो गाइस हमारा रेट है 12 मिनट तक, 13 सेकंड तक। तो ये फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से दूसरा फ़ोटो लगाएंगे। ठीक है, तो फिर से गैलरी में जाके यहाँ पे नीचे आके क्लिक कर देते हैं हम यहाँ से टेलीग्राम में ये वाला, उसके बाद वो फ़ोटो था। यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके फुल एरिया कर देते हैं। उसके बाद इसको अंत तक लेके आ जाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आपको जगह पे क्लिक कर देने का है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। तो हम जो आपको प्रोजेक्ट देंगे उसके पूरा प्रोजेक्ट हम टेलीग्राम में दे देंगे, आपको वहाँ पर जाके इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है कहाँ जाना है। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको इस तरह से थोड़ा सा आगे आते हैं और दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं ये सब कुछ। आपको यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से सबको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ वॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, उसके बाद नीचे आने के बाद ये 3 को अन सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद इस सब को यहाँ पे कॉपी कर लेना है इस तरह से। ये हो गया कॉपी, उसके बाद यहाँ से बैग हो जाना है और इस प्रोजेक्ट में आ जाना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको वो सब कुछ पोस्ट कर देना है। ठीक है गाइस, सो गाइस हमने पोस्ट कर दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं ये हो गया कंप्लीट। तो हम इसको आपको सुनाते हैं। ठीक है गाइस, तो आप 2 मिनट जरा वेट करें, अब हम आपको सुनाने वाले हैं। तो किस तरह से एडिट किया है वो आप सुन सकते हो।
सो गाइस ये तो अब सब कुछ हो ही गया है, फोटो भी लग गया है, सब कुछ हो गया है। फोटो में जो इफेक्ट लगानी है वो सब अभी वो बाकी है, तो हम अब जाके फोटो लगा के आते हैं। उसके बाद हम यहाँ से प्रोजेक्ट में चले जाएंगे, और उसके बाद ये आपको नीचे आना है गाइस, ठीक है। तो नीचे जो फोटो होगा उसको पे सबसे पहले उसकी इफेक्ट में चले जाना है, और उसको कॉपी कर लेना है थ्री डॉट पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ से आपको बैग हो जाना है गाइस, और हम जो इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं उस पर आ जाना है, और उस पर आने के बाद आपको नीचे आना है गाइस। तो इस वाले फ़ोटो को हम सिलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे इफेक्ट में जाके थ्री डॉट में जाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये होगा ब्लरिंग। तो यहाँ से फिर से हमें दूसरा वाले के लिए बैग होके वो प्रोजेक्ट में आना है, उसके बाद उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ से फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे जाके यहाँ से आपको थ्री डॉट मिलेगा, यहाँ से कॉपी कर लेना गाइस। उसके बाद यहाँ से आपको बैग हो जाना है, और जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे आना है, और उसके बाद इस तरह से आपको नीचे उसका राउंड करना है, और वो फोटो सिलेक्ट करके यहाँ से आप इफेक्ट लगा दीजिएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।